वर्तमान समय में ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर होने वाले दीर्घ प्रभाव तथा ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है और भविष्य में क्या रहेगा, इसका अध्ययन आवश्यक है। इन सभी का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने से ही पता चल सकता है। कुछ इन्हीं गूढ़ विषयों के सरल अध्ययन हेतु दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में गुरुवार को 15 दिवसीय ज्योतिष ज्ञान शिविर का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के संस्कृत पाठशाला निरीक्षक रणवीर सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात पंडित विकास दीक्षित के आचार्यत्व में वैदिक बटुकों ने मंगलाचरण का पाठ किया। कार्यक्रम में आचार्य पवन शुक्ला, डॉक्टर विनोद राव पाठक, आचार्य चूड़ामणि शास्त्री, डॉक्टर राम कोमल मिश्र सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कमर्शियल जानकारी ज्योतिष विषय से ही मिलती है, जिससे उनको किसी को आधार बना के किसी के आधार पे जीना नहीं आता, वो स्वतः अपने कार्य में पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे छोटी मोटी जो बातें होती हैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, उनकी वो जानकारी उनको हो जाए और वो भविष्य में अपना कार्य अपने ढंग से कर सके। जैसे पंचांग देखना, पंचांग के आधार पर तिथि नक्षत्र वार भूत ये सब बताना, पंचांग विधि से पूजन कराना, ये सब हमारा मुख्य आधार होता है कि संस्कृत के साथ स्वावलंबी बन सके। उसी दिशा में मेरा एक प्रयास प्रदर्शन चल रहा है कई वर्षों से। प्रत्येक वर्ष में 2-4 शिविर इस तरह से लगाया करता हूँ, जिससे कि उसमें हमारे संस्था के ही विद्यार्थी नहीं, वाराणसी भर की संस्थाओं के विद्यार्थी इसमें सब भाग लेते हैं। यही मेरा प्रयास है, इन विद्यार्थियों के सुखद भविष्य के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ।